दिस इज भारत गुप्ता, वेलकम श्रेयांश। श्रेयांश आपको मेरी वॉइस क्लियर है? कैन यू हियर मी? ओके, सो टुडे वील डिस्कस, वील कंटिन्यू सेकेंड पार्ट और पार्ट नंबर 8 ऑफ महाराष्ट्र सीटी टारगेट 99% इन महाराष्ट्र सीटी फुल सिलेबस। सो दिस इज वेलकम प्रदीप, दिस इज पार्ट नंबर 8, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज। मेरी अभी इसमें अभी नेक्स्ट मेरी 6 को क्लास है, फिर 9th को है, 11th को है, 12th को है, राइट? सो दिस इज स्पेशल क्लास कोर्स ऑन अनअकैडमी टू असिस्ट यू विद योर एग्जाम प्रिपरेशन। यू कैन फाइंड दीज कोर्सेज इन प्लस टैब ऑन अनअकैडमी वेबसाइट और लर्निंग ऐप। सो देखो, आई एम टीचिंग लाइव ऑन अनअकैडमी, आई एम टीचिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड LRDI। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी विद 1 year सब्सक्रिप्शन और 3 months, 6 months और 12 months सब्सक्रिप्शन। सो देखो, मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 13 मार्च, जो कि विच इज नंबर सिस्टम कंप्रिहेंसिव बैच ऑफ 32 आवर्स। इसमें आपको मैं बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। हेलो संकेत, वी विल डिस्कस एवरीथिंग नंबर सिस्टम से रिलेटेड, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। बहुत कुछ होता है नंबर सिस्टम में। इट कंटेन बेसिक प्रॉपर्टीज, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत कुछ है जो मैं यूज करता हूँ, रिमाइंडर थ्योरम, बेस सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, आई डिस्कस एवरीथिंग। सो दिस बैच इज स्टार्टिंग ऑन 13th मार्च। अगर आप सब्सक्राइब इसको नहीं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। यूज माई रेफरल कोड भारत BHARAT_Gupta टू गेट 10% डिस्काउंट, राइट? तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, जल्दी से आप लोग सब आ जाओ। ओके, तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। तो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। When a filling pipe and an emptying pipe were opened suddenly, a tank was filled to 50% of capacity in 9 hours. When the emptying pipe was closed, the remaining half was filled in 3 hours. In how many hours can the emptying pipe empty the full tank? Yes, try karo. Bahut badhiya question hai. Try this. Yes, ek bachche ka answer aa gaya hai. हेलो वाजिद, वेलकम तुषार, मधुर, यस, क्या आंसर होगा इसका? हेलो मधुर, ओके, वाजिद, तुषार एंड गौरव राज मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। तो आप लोगों ने मेरी आज की यूट्यूब क्लास देखी थी? Did you watch my YouTube class today? अच्छा, तो आपको मैं लिंक दे देता हूं, यू कैन वॉच दिस क्लास, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। इस क्लास में मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस किया था, तो मैंने लिंक ऊपर दे दिया आप लोगों को, यू कैन वॉच दिस क्लास। इसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन विद ईज, एक शॉर्टकट बताया था। यस, क्या आंसर होगा इसका? ओके, सुधांशु कपूर ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। वेलकम एवरीवन, आज का हमारा टारगेट एटलीस्ट 12 टू 13 क्वेश्चन करने का होगा। मैं अभी 4 क्लासेस और लूंगा, तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको एग्जाम तक 150 क्वेश्चंस एटलीस्ट करा दूं, राइट? यस, क्या आंसर होगा इसका? वेलकम एवरीवन, ओके, विवेक सिंह आल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। आकाश पाल, आप वही आकाश पाल हो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट। सौरभ बूंदिया,
अंकी, आई थिंक यू गो विद 1 ईयर प्लान, राइट? 1 ईयर प्लान में आपका नेक्स्ट ईयर सीमेट और सारे एग्जाम तक की प्रिपरेशन हो जाएगी, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड भारत अंडरस्कोर गुप्ता। अच्छा देखो, व्हेन अ फिलिंग पाइप एंड एन एम्प्टिंग पाइप आर वर्किंग टुगेदर वर ओपन सेमिटरी, अ टैंक वॉज फिल्ड टू 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी 9 आवर्स। तो देखो, फिलिंग पाइप प्लस एम्प्टिंग पाइप, इट टेक्स 50% को 9 आवर्स, तो 100% इट विल टेक 18 आवर्स। व्हेन द एम्प्टिंग पाइप वॉज क्लोज, द रिमेनिंग हाफ वॉज फिल्ड इन 3 आवर्स। तो जब एम्प्टिंग पाइप हमने क्लोज कर दिया तो हाफ को फिल करने में इसको लगते हैं 3 आवर्स, हाफ को, तो फुल इट विल टेक 6 आवर। तो एलसीएम इज 18, दिस इज 1, दिस इज कंबाइंड इफ एम्प्टी एंड फिलिंग पाइप बोथ आर वर्किंग 3। तो मान लो कि एम्प्टी करने की जो कैपेसिटी है दैट इज एक्स, तो 3 + x इज इक्वल 1, x इज इक्वल -2, राइट? इफ x कैन एम्प्टी 2 लीटर पर आवर, टू एम्प्टी 18 लीटर इट विल टेक 9 आवर्स, बी ऑप्शन। इज दिस क्लियर? कैट 2020's लास्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है? तो यू हैव एटलीस्ट 7 मंथ, 7.5 मंथ, नो 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 10 मंथ, सॉरी 9.5 मंथ। देखो मैं भी बताऊंगा आपको आगे कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, राइट? नाउ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चों का डिमांड था SICI पर एक क्वेश्चन कराने का, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है, आई डिस्कस दैट शॉर्टकट एज वेल। तो ट्राई दिस क्वेश्चन, यू हैव 2.5 मिनट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ओके गुड, ओके, सो 20%, 40% एंड 40%। ओके, हिमांशु शर्मा, श्रेयस भंडारी एंड सौरभ मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके, रॉन्ग आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बिनफ्शा ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। वेलकम गुरजीत, गुरजीत यू आर लेट, यू मिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तुषार पटेल, गौरव राज, ओके 38% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके, जयेश ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। यस, डू यू वॉन्ट मी टू इंक्रीज द टाइम और दिस टाइम इज इनफ, 15 सेकेंड रिमेनिंग। ओके, वरुण ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके, सो नाउ वी कांट इंक्रीज बिकॉज नाउ आई एम शोइंग ए लीडर बोर्ड। तुषार टॉप विथ 2 क्वेश्चन करेक्ट, गौरव राज 2, देन वी हैव हिमांशु, वाजिद, श्रेयान, सौरभ, बिन फसा, सुधांशु, जयेश एंड विवेक, 1 क्वेश्चन करेक्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, इंस्टॉलमेंट इन CI, इसका लॉजिक समझो आप। लेट्स से यू टुक अ लोन ऑफ पी एंड यू वांट टू गिव इट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखो जब हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं ना, तो व्हेन वी पे अवर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वी पे सम इन प्रिंसिपल एंड सम इंटरेस्ट
एंड फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट वी पे सम प्रिंसिपल सम इंटरेस्ट, तो टोटल मिला के आपका एक्स हो जाता है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर इन केस ऑफ दिस कंडीशन दिस इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कंडीशन इज मोर एंड प्रिंसिपल इज लेस। देखो आपको एक्स तो इक्वल देना हर बार, आप समझना, मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं इसका। सो यू आर पेइंग टू पार्ट ऑन फर्स्ट, एक्स जब आपने दिया तो आपने कुछ पार्ट प्रिंसिपल पे किया होगा, कुछ पार्ट आपने इंटरेस्ट पे किया होगा। सेकेंड टाइम में जब आपने एक्स पेमेंट किया तो यू पेड सम पार्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड सम पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अच्छा होता क्या है, इफ वी कंसीडर दिस फर्स्ट केस, एक्स विल बी अमाउंट एंड पी वन इज द प्रिंसिपल एंड वन प्लस आर बाई हंड्रेड बाई आर बाई हंड्रेड टू द पावर वन, क्योंकि आप एक साल बाद पे कर रहे हो अपना इंस्टॉलमेंट। अब सेकेंड कंडीशन की बात करें, एक्स पी टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर, बिकॉज यू आर पेइंग इट इज सेकेंड टाइम, तो यहां से पी वन की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर वन, पी टू की वैल्यू होगी एक्स अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड का स्क्वायर। अब दिस पी इज इक्वल वॉट, पी इज इक्वल पी वन प्लस पी टू, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ पी वन एंड पी टू, दिस इज एक्स अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर वन प्लस, ऐसा ही नहीं हो सकता बिकॉज बिन सब आपको, हाँ बात तो वही है, तो ऐसा ही का ये ऐसा ही तो है भाई, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पी प्लस पी आर टी अपॉन हंड्रेड, तो बात तो वही है, ठीक है, बात वही है जो आप कह रहे हो, वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल स्क्वायर। इफ वी टेक एक्स कॉमन, वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड का स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज फॉर टू ईयर्स। अगर ये थ्री ईयर्स का होता तो हम यहाँ पर एक और ऐड कर लेते, दिस इज वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड का क्यूब। नाउ हमें क्या क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन विद एक्स गिवन है 882 और रेट इज गिवन इज 5, वी हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल, राइट। सो डू यू वॉन्ट टू नोट ऑल दीज, मुझे ये हिस्सा रब करना है, राइट, आई नीड सम स्पेस, तो आप इसको नोट करना चाहते हो क्या, मैं रब कर दू उसको, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ओके okay. देखो भाई, तो फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड का स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस आर बाई हंड्रेड का क्यूब एंड सो ऑन। मैंने दो साल लेना तो मैं इन दोनों को ले लूंगा। नाउ पुट दिस वैल्यू, प्रिंसिपल वी हैव टू कैलकुलेट, एक्स इज 882, वन अपॉन वन प्लस फाइव बाई हंड्रेड की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस फाइव बाई हंड्रेड का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 882। अब यहां पर हो गया देखो ये 20, दिस इज 20 21, तो दिस इज 20 अपॉन 21 प्लस 400 बाई 441, सो दिस इज 882, एलसीएम आ गया 441, दिस इज 21, 420 इंटू 400 दिस इज 2 टाइम्स, राइट, 820 इंटू 2 और 1640, बी इज द आंसर। एवरीवन क्लियर, जल्दी थम्स अप दो अगर आपको बात समझ में, जल्दी थम्स अप दो If you are able to understand this part clearly, ग्रुप के लिंक से नहीं खुल रहा है क्या? ग्रुप से लिंक खुल रहा है भाई? ये समझ में आया? अगर एसआई का इंस्टॉलमेंट हो, वैसे तो आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बता देता हूं, ऐसा ही कंसोल होता है, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट लंबी है इसकी, एन माइनस वन एक्स आर बाई 200, दिस इज एन इज नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक्स इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आर इज रेट परसेंट, राइट, ये फॉर्मूला नोट कर लो, काम आएगा आपको। चलो आगे क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोट करना है इसको।
ट्रिक किस चीज की, किसकी ट्रिक थी? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ, सीआई की ट्रिक मैं अभी नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट के कारण वो क्लास आ जाएगी, बहुत कुछ है मेरे पास। ठीक है, मैंने फॉर्मूला था, फॉर्मूला से कर लो, ट्रिक भी है, लेकिन अभी मैं ट्रिक पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा, मेरी पूरी क्लास ले जाएगी ट्रिक के कारण। चलो सॉल्व दिस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसका मैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट बताऊंगा, इसको सॉल्व करो। ओके 17% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। नाउ 14% मार्क दिस करेक्ट। 25% ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, और मैं बहुत इजी वे में इसको सिखाऊंगा आप लोगों को, तो सब लोग एक बार ट्राई कर लो। हेलो श्वेता, रजत, गुरजीत, नयन एंड उज्जवल, दे मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके भारत अरोड़ा ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। वेदांत, तुमने सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है क्या? वेदांत, तुमने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है या नहीं लिया अभी तक? ओके तो एलआर के लिए यू कैन गो विथ प्रवीण त्यागी, समीर सरदाना, एंड वीए के लिए उनको भी सबाना। राइट, दो नाम बता दे, फिर आप बाकी चेक करते रहना। एंड वेदांत, तुम सब कब से पढ़ रहे हो, तुमको मैंने कितनी बार बताया कि यूज दिस रेफरल कोड, ठीक है, भारत अंडरस्कोर गुप्ता, एंड गो विद वन ईयर, चीप है, उसमें बहुत फायदा है आपको, 78% करीब डिस्काउंट है, और 10%। अच्छा आपके पास वेदांत वो भी तो होंगे, वेदांत आपके पास कॉइन्स भी तो होंगे, वेदांत यू हैव कॉइन्स? उन कॉइन्स को भी यूज करें तो आपको करीब 13-14,000 थोड़े हैं, तो फिर थोड़ा यूज हो जाए। चलो अब इस क्वेश्चन देखो, अ ट्रेन लेफ्ट स्टेशन ए फॉर स्टेशन बी एट ए सर्टेन स्पीड आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 100 किलोमीटर द ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो लेट्स से दिस इज द इनिशियल पॉइंट, तो इट ट्रेवल 100 किलोमीटर एंड मीट विद एन एक्सीडेंट, एंड आफ्टर दैट इट कुड ट्रेवल विद ए स्पीड ऑफ 4/5। तो if we assume this speed as 5x, this speed would be 4x, right? And reaches 45 minute. आप लोगों मेरी वॉइस इको हो रही है? हेलो हेलो, आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरी तरफ सब कुछ क्लियर है। सो विद दिस इफ एक्सीडेंट टेक्स प्लेस एट बी पोजिशन, ही इज लेट बाई 45 मिनट। अच्छा आगे बोला है,
हैड द एक्सीडेंट टेकन प्लेस 50 किलोमीटर फर्दर ऑन, तो देखो पहली बार बी पर हुआ, अब वो एक्सीडेंट होता है लेट्स से सी विच इज 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर फर्दर. ओके एंड नाउ ही इज 30 मिनट लेट. देखो नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इफ यू स्टार्ट फ्रेमिंग इक्वेशन, आप में से कितने लोगों ने इसको इक्वेशन से किया है? किस किसने इसको इक्वेशन बना के किया है? लेट्स से टोटल डिस्टेंस डी माना हो आपने, तो फर्स्ट केस में 100 बाई 5x प्लस डी माइनस 100 बाई 4x इज इक्वल डी बाई 5x माइनस 45 बाई 60, ये कंडीशन ये बनेगी. सेकेंड कंडीशन विद दिस 150 बाई 5x प्लस डी माइनस 150 बाई 4x इज इक्वल डी बाई 5x माइनस 30 बाई 60. बट रिमेंबर वी विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग इक्वेशन, मैं रब कर रहा हूं, हाँ मैं इसको लॉजिक बता रहा हूँ. नहीं नहीं नहीं, देखो आपको एक बात समझनी है, व्हेन दिस फर्स्ट एक्सीडेंट प्लेस मूव्स फर्दर 50 किलोमीटर वी आर लेट, अवर लेट डिक्रीजेस बाय 15 मिनट. इसका मतलब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को आपने फिर 5x से कवर किया होगा और ये आपने 4x से कवर किया होगा, ठीक है. नाउ अगर एक्सीडेंट ना होता तो ही विल रीच ऑन टाइम, मतलब 0 मिनट लेट. तो 15 मिनट लेट होने के लिए उसका एक्सीडेंट प्लेस 50 किलोमीटर आगे होना चाहिए था, तो 30 मिनट लेट को मुझे कम करना है, तो वी वांट टू डिक्रीज 30 मिनट. तो 15 मिनट में मुझे 50 किलोमीटर आगे बढ़ना पड़ा, तो 30 मिनट के लिए वी हैव टू इंक्रीज अवर एक्सीडेंट पॉइंट अप टू 100 किलोमीटर मोर, मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट हमारा 100 किलोमीटर और एक्स्ट्रा आगे बढ़कर हो जाएगा. सो टोटल डिस्टेंस वुड बी 250. कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? जल्दी थम्स अप दो. जिसको नहीं आई वो क्वेश्चन मार्क वाला टैब क्लिक कर दे. गुड, एवरीवन गॉट दिस पॉइंट. सौरभ को नहीं आया, मैं बताऊंगा इस बात को दोबारा से. दो, अंकित को नहीं आया. चलो मैं दोबारा बता रहा हूं. ओके, अरविंद को नहीं आया. देखो जरा इस बात को दोबारा देख लो आप लोग. वी हैव थ्री पॉइंट्स ए बी सी एंड डी. तो पहली बार वो बी पर एक्सीडेंट होता है एंड उसके बाद वो चलता है अपनी रिड्यूस स्पीड से, तो ही विल बी 45 मिनट लेट. इट विल बी 45 मिनट लेट. नाउ नेक्स्ट टाइम इट्स दिस एक्सीडेंट टुक एट फर्दर 50 किलोमीटर, तो यहां पर 100 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ, यहां पर 150 पर एक्सीडेंट हुआ. तो हम इसको ऐसे रीजनिंग यूज करते हैं. देखो आपका यहां पर 30 मिनट लेट था, तो जब उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर फर्दर हुआ, जब उसका एक्सीडेंट 50 किलोमीटर फर्दर हुआ तो उसका जो लेट का टाइम था वो 15 मिनट कम हो गया. मतलब अगर उसका एक्सीडेंट ना होता तो ही विल रीच राइट टाइम, जो भी राइट टाइम रहा होता ही विल रीच ऑन टाइम. लेकिन एक्सीडेंट होने से वो पहली बार में 45 मिनट लेट हो, मतलब 100 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो वो 45 मिनट लेट. 150 मतलब 100 ये 50 ये, तो व्हेन वी इंक्रीज डिस्टेंस इज 50 तो लेट आपका 15 मिनट कम हो रहा है एंड वी वांट टू रीच ऑन टाइम, है ना. तो रीच ऑन टाइम का मतलब मुझे 15 दो बार एक्सीडेंट आगे बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब पहले 15 में 50 किलोमीटर, अगले 15 में 50 किलोमीटर. मतलब अगर मेरा एक्सीडेंट और 100 किलोमीटर आगे होता तो मैं राइट टाइम पहुंचता. राइट टाइम मतलब मेरी डिस्टेंस टोटल कवर हो जाती, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 250. तो बस यहां पर ये टाइम का ध्यान रखना है कि एक एक्सीडेंट से दूसरे एक्सीडेंट होने में कितना टाइम का अंतर है, उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है, और मुझे उसको जीरो करना है, इस लेट को जीरो करना है. तो दिस विल गिव यू 250 किलोमीटर. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रूल, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैंने कराया हुआ है आप लोगों को, तो ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, एक बच्चे का आंसर करेक्ट आया अभी तक.
Okay. देखो एक रूल होता है, आपको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ इसमें। हाँ, लेस मोर कॉन्सेप्ट। लेट से वी से सैलरी ऑफ राम इज 12 1/2% मोर देन मोहन, देन देन बाई वॉट परसेंट सैलरी ऑफ मोहन इज लेस देन राम, ये क्वेश्चन करना है आपको। ट्राई करो उसको। देखो यहां पे रूल होता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज लेस गिवन हो, परसेंटेज मोर पूछा हो, ये गिवन हो ये पूछा हो, या ये गिवन हो ये पूछा हो, तो एक सिंपल सा लॉजिक होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 1/2, इसके कई सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बहुत आसान सा। ये क्यों होता है ये आप मेरी क्लास में आओगे तो मैं सिखाऊंगा, वहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान या जो भी आप मेरी फ्री क्लास है, जो भी स्पेशल क्लासेस हैं, इसको मैं करता हूं कन्वर्ट, ये परसेंटेज है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में। तो इसकी फ्रैक्शन में होती है 1/8, इसका मतलब 12 whole 1/2% की वैल्यू होती है 1/8। नाउ अगर ये हमको दिया हुआ है परसेंटेज मोर, वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज लेस, तो मैं क्या करूंगा 1/8 में डिनोमिनेट, अगर मुझे लेस करना है तो डिनोमिनेटर में एड न्यूमरेटर, बस ये याद रखना है, और न्यूमरेटर एज इट इज, तो इसका न्यूमरेटर 1 और नीचे ऐड कर दो 8 + 1, ऐड न्यूमरेटर 8 में 1 ऐड कर दो, दिस इज योर आंसर 1/9। फ्रैक्शन में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 100/9 और 11.11। अरे को समझे बात, ये हमेशा लॉजिक चलता है, अगर आपको परसेंटेज मोर दिया है, परसेंटेज लेस करना है तो नीचे ऐड करना है। एंड अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों से, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाई 14 whole, बल्कि 2/7%, बाई वॉट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी इंक्रीज टू हैव सेम एरिया। तो देखो यहां पर अच्छा 12.5, संकेत कुल करने से 1/7 है परसेंटेज मोर, परसेंटेज लेस पूछा जाए, लेस करने में हम क्या करेंगे नीचे एड सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर, ठीक है, और ऊपर न्यूमरेटर आ जाएगा। तो 1/7 था, 1/7 - 1, देखो आपका जो 14 whole 2/7% है, दिस इज 1/7, ये मैंने आपको चार्ट पढ़ाया होगा, तो आंसर हो गया 1/6 या 16 whole 2/3। ये अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीजों की यार, इस पर आपको कमांड करना पड़ेगा, परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं, बहुत आसान होते हैं, मतलब इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ 1/8 कहां से आया, ये 1/8, ये 1/8, नहीं सुनो गुरजीत आप लोग गलत थे। देखो 12 1/2 ये हो गया 25/2 इंटू 1/100, ये इस तरह से आया 1/8, ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर आप कैट के प्रिपरेशन तो आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। चलो हम अपने क्वेश्चन दोबारा आते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में लेस दिया मोर निकालना है, या मोर दिया तो लेस, तो यही लॉजिक लगाना है आपको। देखो यहां बोला है परसेंटेज मोर, कितना बोला हुआ है 8.33 हो गया, 8 whole 1/3, 0.33 1/3 होता है, दिस इज 25/3%, और 25/3 इंटू 1/100, दिस इज 1/12। अरे को समझे, ये फ्रैक्शन कन्वर्जन बताया मैंने आपको परसेंटेज से, मुझे तो पता था कि भाई 8.33 1/12 होता है, लेकिन कुछ बच्चे जिनको नहीं पता उनको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया है। एवरीवन क्लियर, कुछ समझ में आ रहा है या बस मैं बोले जा रहा हूं आप लोग बस सुने जा रहे हो? अच्छा परसेंटेज लेस, मैंने क्या बताया था लेस है तो नीचे मोर कर देंगे 13 1, दिस इज 1/13, 100 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन को परसेंटेज करने के लिए,
7.69, आंसर इज बी ऑप्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? कितना मजेदार क्वेश्चन था। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, थोड़ी देर प्रैक्टिस होगी, आप जल्दी थम्स अप दो जिनको समझ में आ गया, जल्दी थम्स अप दो, और जो पहले दे चुके दोबारा भी दे सकते हैं जो पहले दे चुके दोबारा भी थम्स अप दे सकते हैं। और यही चीजें, और इस पर बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल क्वेश्चन मैं कराता हूँ मेरे सब्सक्रिप्शन प्लान में, आप लोग आओ मेरी क्लास में अटेंड करके देखो, ठीक है? तो मैं ये सब चीजें बताता हूँ, परसेंटेज का बेसिक है, अगर ये नहीं आता तो फिर आपको आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके सॉल्व दिस क्वेश्चन, ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। हाँ मैं अनअकैडमी पे इतना बिजी हूं, बहुत बिजी हूं अनअकैडमी पर अनअकैडमी पर रेगुलर बहुत क्लासेस होती हैं, मुझे पढ़ाने से मतलब, चाहे आप अनअकैडमी पढ़ाओ चाहे रेडिक्स में पढ़ाओ, बात तो एक ही है। उज्जवल धापके, अरविंद नलवडे, निमिष जापे मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट, मोहित उले ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। यस 57% मार्क दिस क्वेश्चन, अच्छा नाउ 44% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके पीयूष शिवहरे ऑल्सो मार्क दिस करेक्ट, तुषार पटेल गुड, फोर्थ कॉन्जुगेटिव क्वेश्चन करेक्ट है तुषार आपका, हेलो फैजल। भारत अरोड़ा, श्रेयान भंडारी, लावण्या ऑल्सो मार्क दिस करेक्ट, गौरव राज ऑल्सो करेक्ट। अंकित यादव ओके, विवेक सिंह मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। देखो यार दिस इज द स्कोर कार्ड, नहीं ओमकार आपका सही आया था, ओमकार, तुषार पटेल, गौरव राज, देखो आखिरी तक भी आंसर आ रहा है, मैं जा रहा हूं, हाँ तीन ही था, तुषार पटेल, गौरव राज, भारत अरोड़ा, निमिष जोपे, मोहित उले, उज्जवल श्रेयांश, विवेक एंड हिमांशु अरविंद, इन लोगों का टॉप टेन में नाम है। देखो यार यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, बहुत सिंपल सी लॉजिक है, ध्यान देना। देखो मैंने वी इज द मिड पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है, पी क्यू वी यू टी एस आर, अच्छा ये सेंटर होता है इसका, तो इफ वी ज्वाइन दिस सेंटर, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, देखो ये जो है यहां से ये लेंथ, अगर ये साइड ए है, दिस इज दिस विल बी, अब ये लेंथ क्या होगी, ये सेंटर है तो जो भी लेंथ ही होगी, लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज आल्सो एक्स, तो अब ये जो एरिया ना, दिस विल बी हाफ ऑफ दिस ट्राइंगल, तो और ये एरिया कितना है, अगर टोटल एरिया सिक्स है, इफ टोटल एरिया इज सिक्स तो दिस विल बी, अगर ये टोटल एरिया आपका रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6x मान लो,
तो दिस एरिया वुड बी एक्स, और ये पूरा वाला इसका डबल हो जाएगा, तो दिस एरिया ऑफ वी टी एस वुड बी 2x. अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल सी मैंने बताया बात आपको, ये सेंटर होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस बराबर बराबर होगी, तो बेस सेम है, इसका मतलब इसका एरिया हाफ ऑफ दिस एरिया, और वी कैन से दैट दिस वीटीएस एरिया वुड बी डबल ऑफ दिस एरिया व्हिच इज, अगर टोटल एरिया 6x इट विल बी x, तो रिक्वायर्ड रेशियो वुड बी 2x / 6x, हां 6 इक्विलेटर 1/3, सी ऑप्शन राइट. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन अबाउट सवर सब्सक्रिप्शन प्लान, आपको कोई भी क्वेरी हो अबाउट सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन आस्क मी नाउ. देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस का डिफरेंस. गौरव दिस इज द इजिएस्ट अप्रोच, इससे आसान अप्रोच है लेकिन आपको उससे आसान नहीं, सबसे आसान यही थी. ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में आपको डिफरेंस बताता हूँ, बताना कि आपको ये कहाँ तक आप लोग को फायदा करता है. देखो ऑफलाइन क्लास में आपने अगर एक बैच लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल फी इज वेरी हाई, ठीक है, फीस हाई, यहाँ पर अफोर्डेबल फीस है. इफ यू कंसीडर वन ईयर प्राइस इट इज 17,500 एंड इफ यू यूज माय रेफरल कोड यू विल गेट 1750 डिस्काउंट, तो इट विल कॉस्ट यू 15,750 राइट. अच्छा अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, यू कांट चेंज योर बैच. आपका अगर कोई टीचर चेंज हो गया आप उस टीचर के लिए बड़ा परेशान होते हो. कैन यू बिलीव हमने सब्सक्रिप्शन प्लान लास्ट फेब से स्टार्ट किया था, ऑल द टीचर आर देयर, जितने भी टीचर शुरू से पढ़ा रहे हैं अभी तक हैं, और प्लस और टीचर आ गए, पहले हमारे पास 28 से स्टार्ट किया, नाउ वी हैव मोर देन 39 टीचर्स, ठीक है, तो टीचर यहाँ बढ़ते जा रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है अनलिमिटेड एक्सेस, यू कैन वॉच एवरी टीचर्स क्लास. ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि आप किसी एक टीचर को देख सकते हो या उसी का बैच को कर सकते हो, दूसरे बैच में जाना है आपको टीचर चेंज कराना तो बड़ा मुश्किल होता है. यहाँ पर आपको केवल एक बटन प्रेस करना है इनरोल वाला, आपने एक सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, यू कैन इनरोल इनटू एनी बैच. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन ये कहीं भी आपको नहीं मिलता है, इवन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं है. हमारा हर फोर्थ क्लास इज ए स्पेशल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, हम लोग को फोर्थ जो भी किसी भी कोर्स की बात करें तो फोर्थ क्लास हमको बैठना पड़ता है केवल डाउट बताने के लिए, मतलब वो हमको डाउट बताने के लिए बैठाते हैं क्लास में. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. लर्न एनी टाइम एनी वेयर, आपकी कोई क्लास मिस हो जाए आप उसको डाउनलोड करो और बाद में आप कभी भी देख सकते हो. अच्छा ऑफलाइन में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको बहुत टाइम लगेगा, आपने जो क्लास छूट गई उसका सीधे सीधे रिकॉर्डिंग देख लो. तो देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ऑनलाइन के बहुत फायदे हैं. आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो अभी. दीज आर द सम ऑफ द एजुकेटर हु आर टीचिंग लाइव ऑन एन एकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लान. सो वी हैव 1 month प्लान, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month. यू कैन गो विद, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2020 यू कैन गो विद 1 year प्लान, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2021 गो विद 2 year प्लान. 2 year प्लान बहुत ही चीप पड़ेगा, अच्छा ठीक है मैं देख लूंगा. कैसे लेना है आपको सब, आप गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना, फिर आपको 1 month, 3 month, 6 month, हाँ हाँ टॉपिक वाइज टेस्ट भी है एंड 24 month सब्सक्रिप्शन इज देयर. सो जब आप अप्लाई करोगे तो यू हैव टू पुट माई रेफरल कोड BHARAT_Gupta टू गेट 10% डिस्काउंट राइट. सो दिस इज माई रेफरल कोड. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में. ओके क्वेश्चन नंबर 82. अ मिल्क सेलर पेज ₹10,000 पर किलोलीटर फॉर हिज मिल्क, ही एड्स वाटर टू इट एंड सेल द मिक्सचर एट 11.20 अ लीटर, thereby making a 40% profit. Find the proportion of water to milk which he the customer received. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सो ट्राई दिस क्वेश्चन, और इजी भी है, लॉजिकल है, एलिगेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको. ओके लावण्या, नयन एंड गुरजीत मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट.
तुषार पटेल, एंड तुषार का कॉन्जिक्यूटिव फिफ्थ क्वेश्चन करेक्ट आया है। हाँ, वी हैव राणा रणवीर, वी हैव टॉपिक वाइज टेस्ट, वी हैव रेगुलर मॉक टेस्ट, विवेक सिंह, बहुत कम लोग इस क्वेश्चन कर पाए, विच इज वेरी स्ट्रेंज। ओके, अंकित यादव, देन निमीश जोपे, राम। ओके, सो दिस इज द स्कोर कार्ड। तुषार टॉप विद 5 क्वेश्चन करेक्ट, देन गौरव राज 4 क्वेश्चन करेक्ट, निमीश जापे 3 क्वेश्चन करेक्ट, देन भारत अरोड़ा एंड विवेक सिंह 3, मोहन उले, गुरजीत, उज्जवल, लावण्य एंड नयन 2 क्वेश्चन करेक्ट। देखो एक बार समझो, यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड यू आर सेलिंग इट एट 11.20। So remember, for allegation you must have CP of the mixture, CP into 1.4, because we are getting 40% profit 11.2. So cost price of the mixture would be 11.2 upon 1.4. This is 8 rupees. So CP of the mixture is 8, right? So अब बोला क्या है आपको, पहले बोला है water to milk, तो मान लेते हैं water X लिया, इसकी price है 0 rupees। आपने लिया है वाई मिल्क, इसकी प्राइस है देखो 10,000 पर किलोलीटर, मतलब 10 रुपीस, एंड कंबाइंड प्राइस इज। अच्छा भारत, आपको वो शॉर्टकट नहीं पता ना, मेरी क्लास आपने अटेंड नहीं की है। 1.4 देखो, ये हो गया सीपी 100 प्लस 40/100, इसको ही तो मैंने 1.4 लिखा, 140/100 इज 1.4। ये फॉर्मूला लगाया मैंने, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इज इक्वल सेलिंग प्राइस, राइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बस ये तरीका नहीं पड़ा होगा कि आपके 2-3 स्टेप बच जाएंगे इससे। तो जिसको भी मैथ्स वीक है, टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन स्टडी विद मी, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। मेरा जो कंप्लीट क्वांट का बैच चल रहा है, उसमें मैंने करीब करीब 160 आवर्स का बैच है, सब कुछ हो जाएगा मैथ्स में, आपको कोई कहीं से कुछ प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। अच्छा, कंबाइंड प्राइस जो आपकी आई हुआ 8 रुपीज, तो दिस इज, अब आपको किस किस को लेस मोर मेथड नहीं पता है, दिस इज लेस इंटू N1, दिस इज मोर इंटू N2, ये मेथड किसको नहीं पता है। This is less, कितना less है 8, N1 is X, this is more, कितना more है 2 into Y, X upon Y is equal 2:8 या 1:4, this is allegation shortcut approach, आजकल ये बड़ा important है। अगर आपको ये rule नहीं पता है less more, you can watch my free videos on an academy, allegation average, देखो मैंने वहाँ पे इसको बहुत ढंग से explain किया, right? So, everyone clear with this? So, question में आया ना? चलो, moving to the next question. हाँ, दिस इज इजी क्वेश्चन, ट्राई करो इसको, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड n इज 79/80 व्हेन वेयर n इज ए ऑड नंबर देन n, क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इसमें ट्रैप है, ट्राई करो। ओके, दिस इज ए इजी क्वेश्चन। शैलेंद्र, वाजिद, विवेक, पीयूष, गुरजीत, श्रेयान भंडारी, प्रदीप कुमार, देखो स्टिल 73% स्टूडेंट एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन।
और जो मैंने आपको ऊपर लिंक दिया हुआ है, दिस इज माय यूट्यूब सेशन जो मैंने आज ही लिया था. इन दैट सेशन वी डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट रूल टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो आप हर जगह यूज कर सकते हो. तो आप उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना. इफ यू मिस दैट क्लास, आप उसको दोबारा से देख सकते हो. अच्छा, मैंने आपको अभी एक लिंक और दिया. दिस इज माई व्हाट्सएप ग्रुप. ज्वाइन दिस ग्रुप टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई फ्री क्लासेस ऑन अनअकैडमी एज वेल एज यूट्यूब. मैं यूट्यूब पर डेली 7:30 इस मंथ क्लास लूंगा. ओके, तुषार पटेल, 6 कॉन्जिगेटिव क्वेश्चन करेक्ट. बट तुषार को बहुत टाइम लगा इसको आंसर मार्क करने में. स्टिल ही इज फार फार अवे फ्रॉम सेकंड पोजीशन. तुषार 6 करेक्ट, निमिष जापे 4, विवेक सिंह 4, गौरव राज 4, गुरजीत 3, श्रेयांश 3, भारत अरोड़ा 3, वाजिद, मोहित एंड उज्जवल 2 क्वेश्चन करेक्ट. देखो आसान सा क्वेश्चन है. द सम ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 एंड n. देखो अगर मैं बात करता हूं 1 से स्टार्ट करें तो पहला इवन नंबर होगा 2, 4, 6 अप टू सो ऑन. वी हैव n टर्म्स, राइट? तो ये हो गया एपी. हाँ, तो इसका सम हो गया n बाई 2 बिकॉज देर आर n, 1 एंड n. अब ये बड़ा मजेदार बात है. अब यहां पर आप इस n को क्या कंसिडर करोगे? नंबर ऑफ टर्म्स n, 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी डी इज 2 इज इक्वल 79 इंटू 80. दिस 2 कैंसिल, दिस इज n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल 79 इंटू 80. इसमें स्मॉलर वैल्यू n की होगी 79. तो आंसर इज सी ऑप्शन. बहुत आसान क्वेश्चन था, बट स्टिल 70% एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. इन अ पॉलीगन ईच ऑफ इट्स 5 इंटीरियर एंगल इज 122 एंड द ईच ऑफ रेस्ट इंटीरियर एंगल इज 170. द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके, पहला गलत आ गया, दूसरा भी गलत आ गया, 2 बच्चों के आंसर गलत आ गए, 3 के गलत आ गए. जल्दीबाजी मत करो. 4, 5 लोग, 6 के गलत आ गए. 0% करेक्ट आया. अच्छा, 1 बच्चे का सही आ गया. बहुत जल्दीबाजी किया आपने इसको मार्क करने में. गुड इवनिंग आकांक्षा. ओके तुषार, ओके वाजिद, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया? मैंने आपको लिंक दे दिया, ज्वाइन दिस ग्रुप. ओके, सो ओनली
थ्री स्टूडेंट एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन आउट ऑफ 35 स्टूडेंट, केवल 3 स्टूडेंट का करेक्ट आया है. सो देयर इज समथिंग इन दिस क्वेश्चन. अच्छा, मुझे लगता था कि बहुत आसान क्वेश्चन है. तुषार पटेल का सही आया. खैर, ओके, तो तुषार, गौरव, निमिष एंड विवेक, उसके बाद गुरजीत. गुरजीत आप हो क्लास में? देन श्रेयांश, भारत अरोड़ा, वाजिद, मोहित उले एंड उज्जवल धापके, दे मार्क दिस क्वेश्चन. ये इनका रैंकिंग है. देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल, सम ऑफ एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर, वी विल कंसीडर इट इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, दिस इज एन माइनस 2 into 180. Always remember, this is the formula for sum of interior angle of a n-sided polygon, right? अच्छा, अब यहाँ पर बोला है, और एक और बात ध्यान रखना, if it is n-sided polygon, angle would be n. Any angle होंगे. नहीं, regular word कहाँ है? कहाँ लिखा है regular word है? कहीं लिखा है? आप regular क्यों assume कर रहे हो? यही तो गलती कर रहे हो आप. आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड मिस यूज नहीं किया आप लोगों ने. आपने आज तक जितने क्वेश्चन पढ़े रेगुलर वर्ड ही पढ़ा है ना, तो कभी कभी क्वेश्चन चेंज भी कर देता है. बी रेडी फॉर ऑल दीज, ऑल टाइप ऑफ कंडीशन. नहीं, उसका भी यही फॉर्मूला होता है. देखो, सम ऑफ एंगल ऑफ रेगुलर और नॉर्मल इज द सेम फॉर्मूला. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज ऑलवेज दिस, चाहे वो रेगुलर चाहे इरेगुलर हो, राइट. अब यहां पर ही इररेगुलर बोला है, फाइव इंटीरियर एंगल. देखो, सम ऑफ एंगल ये हो गया, मान लो एन साइडेड, तो पांच एंगल का सम तो हो गया 5 इंटू 120 प्लस रिमेनिंग एंगल एन माइनस 5, क्योंकि अब एंगल बचे, टोटल एंगल कितने हो गए एन, पांच एंगल यहां हो गए, तो बचे एंगल एन माइनस 5 एंड ईच अदर एंगल इज 170. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? 5 टू 10 1610 प्लस एन माइनस 5 इंटू 170. जितना इजी कर सकते हो क्वेश्चन को उतना इजी करो. फाइनली सॉल्व क्या करो, जीरो जीरो कट गया पूरा. दिस इज 61 प्लस 17 एन माइनस 85 इज इक्वल 18 एन माइनस 36. तो दिस 17 कम दिस साइड, 36 दिस साइड, दिस इज 7, 97 माइनस 85 इज इक्वल एन, एन इज इक्वल 12. कितना आसान क्वेश्चन था, बस आप ये लाइन मिस कर गए, इसी से आपका क्वेश्चन गलत हो गया. भाई अगर आपके पास n एंगल्स हैं तो पांच एंगल दे रखे हैं, बचे क्या n माइनस 5 और हर एक की वैल्यू दे रखी है, तो सॉल्व दिस सम इज इक्वल दिस सम, इट विल गिव यू वैल्यू ऑफ n. इज दिस क्लियर एवरीवन? जल्दी से थम्स अप है ना, उसको दे दो यार, मुझे अपना, तुम्हारा थम्स दे दो अपना, चलिए दे दो सब लोग विद इन 10 सेकंड, मुझे थारे थम्स अप चाहिए. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. गुड गुड वन. चलो एक आसान, बहुत देर से टफ टफ क्वेश्चन आया था, एक आसान क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को. नाउ वी डील विद वन वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ डीआई. डीआई भी बहुत आएगी आपको, बिलीव मी 40-50% क्वेश्चन डीआई के होंगे, ठीक है. 40-50% क्वेश्चन मतलब 20-25 क्वेश्चन डीआई के होंगे एंड वो डीआई आसान होगी, ठीक है. सो go through the data set given below and solve the question based on the following graph shows the price rupees per kg of different commodity during the last 6 month. Potato, onion and tomato, March, April, May, June, July, August. इसके price का आपको दे रखा है, ठीक है. तो tomato और potato और onion के price की बात है और इस पर based कुछ हमारे questions हैं. तो पहला question, what is the percentage, आप लोग try करो, मैं जब तक आपको वो दे रहा हूँ और इस बार time कम दूंगा आपको, ठीक है. मैं कम टाइम दूंगा आपको, ओनली 2 मिनट, ट्राई करो इसको. ओके, गुड. गौरव, राम, तुषार एंड अमोल सावंत, वेरी गुड. विवेक सिंह, नारायण जमार, जामार या झामर, भारत अरोड़ा, कार्तिक मिश्रा, गुड. इस बार अच्छा लगा कि आप लोग आंसर आए. ओके, मुझे इस बार ये भी टाइम जा रहा था.
ओके अर्चना, अर्चना तुम लेट होगी थोड़ा सा, क्योंकि क्लास लगभग अब आखिरी के 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, तो टाइम पर आया करो। और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र सीटी? ओके पूर्णिमा मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। देखो केवल 62% लोगों का गलत हो सही सही हुआ है, बाकी का गलत हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको अभी भी है। ओके 64% आर करेक्ट। मेरी नेक्स्ट क्लास है 6th को, सो दिस इज द स्कोर कार्ड। तुषार स्टिल टॉप विथ 8 क्वेश्चन करेक्ट, एंड देन वी हैव गौरव, विवेक, निमिष, श्रेयांश, भारत अरोड़ा, मोहित उले, नयन, गुरजीत एंड पीयूष। देखो मेरा जो शेड्यूल है, मैं आपको बता देता हूँ कब कब क्लास है। इस बैच में जो मैं क्लास ले रहा हूँ, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इसकी क्लासेस मेरी 6 मार्च को है। आई हैव क्लास ऑन 6 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च, तीनों दिन टाइमिंग है 9 PM, एंड देन 12th मार्च, दिस इज टाइमिंग इज 6 PM, क्योंकि 12th मेरी क्लास है 9 o'clock पर। तो दिस इज माई शेड्यूल फॉर नेक्स्ट 4 days। अभी अभी डिड यू सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब? अभी आप सब्सक्राइबर हो या आपने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है? अच्छा देखो मेरा एक नंबर सिस्टम का बैच स्टार्ट हो रहा है 13th of March से, और मेरा एक बैच स्टार्ट हुआ है कंप्लीट क्वांट बैच, जिसमें मैंने अभी 4-5 क्लासेस ले लिए हैं, जो कि फेब में स्टार्ट हुआ था। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख के उसको भी कवर कर सकते हो। दिस इज कंप्रेहेंसिव कोर्स। हाँ, अभी मेरे और अभी नहीं, और भी क्वेश्चन है, DI के 2 क्वेश्चन, उसके बाद और अर्थमेटिक क्वेश्चन है। तो कंप्लीट कोर्स में अभी मेरी क्लास है, अभी चलेगी 10-15 मिनट चलेगी क्लास भाई, ठीक है? तो नंबर सिस्टम बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद कंप्लीट बैच मेरा फेब से था, उसको भी आप ले सकते हो, ठीक है? एंड रिमेंबर, अभी यूज माय रेफरल कोड Bharat_Gupta टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज इनक्रीज प्राइस ऑफ ऑनियन फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त? तो इन दिस केस वी विल ओनली कंसीडर अप्रैल प्राइस एंड ऑगस्ट प्राइस, विच इज 10 to 35, सो परसेंटेज मोर, इट इज 35 - 10/10 × 100 और 250%। आंसर इज सी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, आप लोग जिसका आंसर लगा शायद उन्होंने बीच की सारी वैल्यू ले ली हूं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? इसमें सारी वैल्यू नहीं ले ली थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगला भी। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आपको 90 सेकेंड दे रहा हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस गिव मी द आंसर। हाँ ठीक है, अभी आप अप्रैल से ले लेना, अप्रैल से ले लेना, कोई बात नहीं। मेरे अप्रैल में भी बैच आएंगे, मैं हर मंथ बैच स्टार्ट होंगे, आपको तब तक हो जाएगा आराम से प्रिपरेशन, पसंद हो। ओके शैलेंद्र जैन, विवेक सिंह, अमोल, गुरजीत। गुरजीत आप चले गए थे बीच में क्या? नयन एंड संकेत, रोहित पाल, अच्छा स्क्रीन साइज इशू, आप मोबाइल पे देख रहे हो क्या? तो दिस इज द स्कोर कार्ड। नाउ विवेक इज ऑन 2nd पोजीशन विथ 6 करेक्ट, गौरव 6, देन श्रेयांश, भारत 5,
नयन, गुरजीत, निमिश, थ्री फोर करेक्ट, शैलेंद्र एंड मोहित थ्री करेक्ट. देखो भाई, इन द मंथ ऑफ जुलाई अ पर्सन परचेज 20 केजी पोटैटो. जुलाई पोटैटो प्राइस इज 40, तो 20 इंटू 14, 5 केजी ऑनियन, ऑनियन प्राइस इज व्हाट 23.75, एंड हाउ मच 3.5 केजी टमाटो 38. सो आपको सॉल्व करना, आंसर वुड बी बी. तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अदरवाइज इजी. और ध्यान रखना, हाँ हाई लेवल डीआई, हाँ मैं अभी आपको एक क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन आसान आते हैं. तो ऐसा मत सोचो कि आप हाई लेवल डीआई बैंक लेवल की करने से कोई फायदा नहीं होगा, जो एग्जाम में आता है आप प्रिपरेशन करते रहो. बट नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई दिस क्वेश्चन. ओके, शैलेंद्र, तुषार, कार्तिक, सागर, नयन, रोहित, मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. वाजिद, अच्छा देखो आसान क्वेश्चन में बच्चों के रॉन्ग बहुत आते हैं. प्रदीप कुमार, निमिश, नेवर राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ओके, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स एंड वाई इज 2:3. 5 बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बैग वाई एंड आर ड्रॉप्ड इन बैग. तो यहां से -5 किया, +5 किया. नाउ द नंबर ऑफ बॉल्स इन इज इक्वल इन ईच बैग नाउ. सो दिस इज द, अच्छा भारत और आगे हो गया, विवेक सिंह पीछे हो गए. सो टाइमिंग का खेल था. देखो यार, द नंबर ऑफ बॉल इन बैग एक्स नाउ, ध्यान समझना, एक बहुत सिंपल सी बात है, बैग एक्स में 5 वैल्यू बढ़ी है. मैं इसको सॉल्व करने जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपल कॉन्सेप्ट पे आओ. देखो अगर 5 बॉल बढ़ने के बाद वो बराबर हुआ है, तो जैसे मान लेते हैं हमारा ऑप्शन 20 होता है, लेट्स से अवर ऑप्शन इज 20, इफ दिस इज 20, 5 माइनस करो, यहां भी 20 हुई, तो यहां पर हो गया 15, यहां पर हो गया कितना 25. तो क्या ये रेशियो 2:3 है? नो. अगर ये 5 इंक्रीज होकर 20 हो रहा है, ये 5 डिक्रीज होकर 20 हो रहा है, इसका मतलब दिस इज 25:15 व्हिच इज नॉट इन 2:3. इफ वी गो विद 30, दिस इज आल्सो 30, ये हो गया 35, दिस इज 25, इट इज अगेन नॉट पॉसिबल टू मेक 2:3. नाउ वी गो विद 25, दिस इज 25, दिस विल बी 20, दिस विल बी 30, यस दिस विल मेक अवर रिक्वायर्ड रेशियो सी ऑप्शन. आप ऐसे करो ना, इसमें क्यों इक्वेशन लगा रहे हो, किस किसने इस तरह से किया था? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बॉल्स नाउ. हाँ, ऐसे ही करना था. आप इक्वेशन से कैसे करोगे, लेट्स से 2x 3x और यहां पर मैंने +5 के, यहां पे -5 के, दिस इज 1:1, ऐसे भी कर सकते हो. तो कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे कैलकुलेट. हाँ बिफोर आफ्टर मिस्ड. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास. ट्राई करो उसको. मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है, मैंने आज हर तरह क्वेश्चन टच किया आप लोगों के लिए, हर तरह क्वेश्चन. ऑक्सीजन इज फिल्ड इनटू अ टैंक लाइक स्ट्रक्चर. अरे वेरी गुड, किसी ने एकदम से आंसर मार्क किया विद इन 10 सेकंड, जितना तो पढ़ भी सकते हो जल्दी मार्क कर दिया.
Okay. The height of the cylinder part is 28 and the diameter and the height of the cone are 36 and 14. If a person needs 80 meter of oxygen per hour to breathe, then how many people can breathe out of the cylinder for 3.5 hours? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो जिसने भी ये मार्क किया है, इतना जल्दी वाला क्वेश्चन नहीं था ये, या तो पहले पढ़ाओ. अच्छा गौरव राज सेलेन जैन, गौरव तुमने तुक्का मारा था क्या? गौरव जैन तुमने फ्लूक किया था. 5.6 सेकेंड यार, बहुत बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. हाँ 5.6 सेकेंड कैसे हो सकता है यार ऐसे? देखो 30 सेकेंड 40 सेकेंड तो मान सकता हूँ, इट इज जस्टिफाइड. जैसे चैलेंज ने 21 सेकेंड तो पढ़ने में लग जाएगा, ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इतना जल्दी कैसे कर सकते हो तुम यार? ये सब फालतू की बातें हैं. तुक्का कैसे मारते हैं? मैं तुक्के में बिलीव नहीं करता, मैं सीधे क्वेश्चन करने में बिलीव करता हूं. आपके तुक्का कोई रूल नहीं होता है. और जब से ये ऑप्शन मेथड आया है, तब से जब से ये ऑप्शन आ गए ना एबीसीडी, तुक्का कभी सही हो ही नहीं सकता. कहते ना कि स्मार्ट कुछ तरीके होते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगते, वो भी कुछ कुछ लिमिटेड जगह लगते हैं. तुक्का मारने कोई तरीका ही नहीं होता है. जितने भी आप YouTube पे वीडियो देखते हो सब फेक होती है, उनमें कुछ दम नहीं होता है. कंटेंट बेस्ड पढ़ाई तो अब YouTube पे रही नहीं गई, ठीक है? कंटेंट बेस्ड पढ़ाई नहीं है वहां पे, केवल फालतू वहां पर मजाक करते हैं, टाइम पास करते हैं. नहीं होता विवेक, नहीं होता. ये बात ध्यान रखना, आप कितने भी एग्जाम दे लो, जैसे बैंकिंग होता है ना, 100 क्वेश्चन करने होते हैं 60 मिनट में, मालूम है मैरिट कितनी जाती है उसकी? 40-30 ऐसी मैरिट जाती है उनकी. तो हाँ कुछ में लगता है, 10% में बस, ओनली 10%. ओके सो दिस इज द फाइनल स्कोर कार्ड, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दिस इज द फाइनल स्कोर कार्ड. टॉप विद तुषार 10 क्वेश्चन करेक्ट, देन गौरव, देन विवेक, उसके बाद भारत अरोरा 6, शैलेन जैन 5, नयन 5, श्रेयान भंडारी 5, वाजिद 4, पीयूष 4 एंड मोहित उले 4. देखो यार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. ऑक्सीजन इज फिल्ड, आप एक काम करना, गिव एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट, इसमें आप तुक्का लगाओ, तुक्का लगा के देख लो, आपके किसी में भी 10 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट नहीं होंगे. बहुत रेयर, मतलब 0.0001% प्रोबेबिलिटी होती है कि यू विल बी हायर देन 50% क्वेश्चन करेक्ट, ठीक है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है. ऑक्सीजन इज फिल्ड इनटू अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर व्हिच बेस इज सेंटर विद अ कोन. देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ये ऐसा उसके ऊपर कोन है. द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट इज 20, दिस इज 28 एंड डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन, देखो ये 18 है, दिस इज हाइट इज 14, राइट? इफ अ पर्सन नीड्स 18 मीटर क्यूब ऑक्सीजन पर आवर टू ब्रीद, तो 3.5 आवर, तो ही नीड 18 × 3.5, इतनी एयर चाहिए उसको, इतनी एयर चाहिए, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम, एक इस पर्सन को इतनी वॉल्यूम चाहिए, तो दिस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दिस पर पर्सन वॉल्यूम, समझे बात को? इसका वॉल्यूम निकालो, तो रिक्वायर्ड मैन पर्सन वुड बी वॉल्यूम ऑफ टेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ एयर required by a man, a person, ठीक है? Volume of tent, pi r square, 18 × 18 × h, 28 plus volume of cone, 1/3 pi, 18 × 18 × 14 divided by volume of man, 18 × 3.5. तो देखो एक 18 तो ये कट गया, है ना? Decimal हटा लो, यहाँ पर एक 10 से multiply कर दो, ठीक है? अच्छा अब एक चीज समझना, यहाँ पर 22 है तो 11 का मल्टीपल तो 100% हमारा आंसर होगा. अवर आंसर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11. दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, यस. दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, यस.
दिस इज मल्टीपल ऑफ 11, दिस इज नॉट अ मल्टीपल, एक हमारा आंसर कट गया विद दिस कंडीशन दैट आंसर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11. अच्छा मैंने क्या किया, इसको 7 कर लिया, इसको 5 कर लिया, 5 टू जा, ठीक है. अच्छा अब 7 से कटेगा ये, हाँ 7 से कट रहा है, 4 टाइम 7 से 2 टाइम, तो हमारा बचा क्या, देखो 18 पाई कॉमन आया, बाहर 2 था 36 पाई, और ब्रैकेट में क्या बचा, देखो 36 पाई और ये हो गया 18 कॉमन आया था, और बचा 4 प्लस 2 बाई 3, हाँ दिस इज करेक्ट, 4 बाई 3 दिस इज करेक्ट. यस निमिष जा पे, एक मिनट कुछ एरर हो रही है, हमारी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही, एक मिनट बोल रहा, वी कैन राइट दिस इज 4 बाई 3 पाई 18 इंटू 18 इंटू एच विच इज, नहीं नहीं एक्चुअली सुनो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हाइट सेम नहीं है, हाइट सेम नहीं है, हाँ इसलिए नहीं कर सकते. देखो मैंने क्या किया, ये 3.5 था ना, पहले तो मैंने 18 कट कर दिया जिससे मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए, फिर मैंने क्या किया 18, एक 18 पाई, एक 18 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 28 प्लस 14 बाई 3 अपॉन 33.5, मैंने ये कर दिया, ठीक है. अब मैं इसको यहाँ पे 10 करके यहां से 5 से 36 और ये हो गया 7, 7 4 जा 7 2 जा, हाँ हो गया. देखो दिस इज 36 इंटू 22 बाई 7 इंटू दिस इज 14 बाई 3, ओके सब कुछ कट गया, 7 से ये जाएगा 2 टाइम, दिस इज 3 से 12 टाइम्स, 2 2 जा 4 2 जा 8, आखिरी में 8 आएगा, बी ऑप्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन, समझ में आया? तो चलो अब हम मिलेंगे आपसे 6th को, परसों मिलेंगे 9 PM पर, आप उसको ज्वाइन कर लेना, एंड रिमेंबर टू वॉच माई यूट्यूब सेशन एट 7:30 डेली, मंडे टू सैटरडे, राइट. मैं महाराष्ट्र सीटी के लिए क्लासेस ले रहा हूँ, जैसे ही 13th के बाद आई विल स्टार्ट टेकिंग क्लासेस फॉर कैट, राइट. सो ऑल द बेस्ट, और मैंने ऊपर आपको व्हाट्सएप लिंक दिया था, इसको ज्वाइन कर लो जिससे आपको मेरी फ्री क्लास मिलते रहे. गुड नाइट एंड वन मोर थिंग फाइनल, ज्वाइन using my referral code Bharat_Gupta. Whenever you join subscription plan, use my referral code Bharat_Gupta. So finally, good night, all the best.